हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ बोल्ट पे। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉम हार्डी की 15 हॉलीवुड मूवीज़। आप सभी को पता होगा कि टॉम हार्डी ने बहुत सी मूवीज़ के अंदर काम किया है, दैट्स वाई उनकी बहुत सी मूवीज़ हैं। इसीलिए हम इसकी एक सीरीज़ बनाएंगे जिनके अंदर हम टॉम हार्डी की सभी मूवीज़ को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हमारी 15th मूवी है कपॉन। ये मूवी आई थी 2020 में। ये एक बायोग्राफी क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एल कपॉन की, जो एक अमेरिकन गैंगस्टर और बिजनेसमैन थे। उनकी पूरी की पूरी लाइफ के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, ये मूवी बेस्ड है। सो आप इसको देख सकते हैं। इसको रेटिंग्स मिला है 4.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। मूवी कुछ इतनी खास तो लग नहीं रही, मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये मूवी टॉम हार्डी की है। सो हो सकता है आपको पसंद आए ये मूवी। दोस्तों, हमारी 14th मूवी है वैनम। ये मूवी आई थी 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे सिम्बायोटिक की, जो स्पेस से सीधे पृथ्वी पर आता है और उसको जिंदा रहने के लिए, ज़्यादा समय तक सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है एक ह्यूमन बॉडी की। और वहीं पर इसकी मुलाकात होती है टॉम हार्डी से। ये टॉम हार्डी की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जब भी टॉम हार्डी के ऊपर कोई मुश्किल आती है या उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, तो ये तुरंत वैनम नाम के एक सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी अच्छी सुपर हीरो मूवी है और हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर और इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है। दोस्तों, हमारी 13th मूवी है लेजेंड। ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक बायोग्राफी क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दो आइडेंटिकल ट्विंस की, रोनाल्ड एंड रेगिनेल्ड क्रे की। ये दोनों गैंगस्टर्स होते हैं जिन्होंने 1960s में पूरे लंदन को टेररिसाइज कर दिया था, भयभीत कर दिया था। आखिर क्या किया था इन्होंने, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों, हमारी 12th मूवी है टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है कोल्ड वॉर से। आप सभी को पता है कोल्ड वॉर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकता है। इसी बीच MI6 को ये पता लगता है कि उनके बीच में एक सोवियत जासूस है जो उनकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सोवियत संघ को दे रहा है। तो एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है कि वो किसी भी तरह इस सोवियत जासूस को ढूंढे। क्या वो ढूंढ पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी के अंदर बहुत मिस्ट्री है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों, हमारी 11th मूवी है द ड्रॉप। ये मूवी आई थी 2014 में। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक बार की, जिसके अंदर जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं वो लोग आते हैं, अपना पैसा रख के चला जाते हैं। ये बार एक तरह से एक अनऑफिशियल बैंक की तरह होता है जिसमें सभी गैंगस्टर अपना पैसा रख के जाते हैं, पर कुछ लोग उस बार के ऊपर अटैक करके सारे पैसे लूट के चले जाते हैं। अब इस बार ओनर को और इसमें काम करने वाले लोगों को किसी भी तरह वो पैसे रीपे करने हैं उन गैंगस्टर्स को। मूवी के अंदर और भी बहुत कुछ है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहता। खुद आप इस मूवी को देखें और इन्जॉय करें। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों, हमारी 10th मूवी है ब्रॉन्सन। ये मूवी आई थी 2008 में। ये एक एक्शन बायोग्राफी क्राइम मूवी है। ये मूवी असली घटना पे आधारित है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक ऐसे आदमी की जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है। वो लोगों को मारता पीटता है, चोरी करता है, उसको आराम से रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो जेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर भी वो बाकी कैदियों को मारना शुरू कर देता है और बहुत बुरी तरह मारता है। इसको रोकने के लिए 12-12 पुलिस वाले भी कम पड़ जाते हैं। और ऐसा एक आदमी जो इतना वायलेंट है, वो एक किताब लिखता है जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकती हैं, पेंटिंग्स बनाता है जो करोड़ों में बिकती हैं। आखिर ये बंदा है कौन, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी इस मूवी के अंदर। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 9th मूवी है दिस मीन्स वॉर। ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक एक्शन कॉमेडी रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दो CIA ऑपरेटिव्स की, जो दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं कि उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड कौन है, उसकी क्रश कौन है। पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं फोटो, तो ये दोनों को पता लगता है कि वो तो एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। और वो दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि भाई तेरी भाभी है, पीछा छोड़ दे इसका। पर ये दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और वो दोनों उस लड़की के पीछे लग जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक वॉर सी छिड़ जाती है कि कौन पहले उसको डेट करता है, डेट पर ले जाता है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी है। इसको रेटिंग्स मिला 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, हमारी 8th मूवी है लोके। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है इवान लोके की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी मूवी एक ही कार के अंदर शूट हुई है। इसके अंदर एक ही एक्टर है, वो है टॉम हार्डी। फिर भी ये मूवी इतनी अमेजिंग क्यों है, या आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस मूवी को रेटिंग्स मिला 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से जो आता है टॉम हार्डी को, और वो तुरंत निकल जाते हैं एक लोकेशन की तरफ क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक की थी जिसको उन्हें किसी भी तरह फिक्स करना है, वरना उनकी लाइफ में बहुत से ट्रबल्स आ जाएंगे। आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी मिस्टेक क्या है, ये आप इस मूवी के अंदर देखिए। और आखिर क्यों ये मूवी इतनी अमेजिंग है, वो भी आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, हमारी 7th मूवी है लॉलेस। ये मूवी आई थी 2012 में। ये क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ भाइयों की, जो लोग मिलकर एक बिजनेस चला रहे होते हैं। बाहर से दिखाने के लिए तो वुड्स का धंधा होता है, लेकिन अंदर से वो लोग इलीगल काम कर रहे होते हैं।
सब कुछ ठीक चल रहा होता है क्योंकि ये लोग ऑफिसर्स को रिश्वत दे देते हैं, सारा काम ठीक चलता है। पर अब शिकागो से एक नया ऑफिसर आया जो बिल्कुल भी इनको काम करने नहीं देना चाहता। ऐसी सिचुएशन में ये किस तरह अपना बिजनेस चलाते हैं आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिला है 7.3 out of 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 6th मूवी है डंकर्क। ये मूवी आई थी 2017 में। ये एक एक्शन ड्रामा हिस्ट्री मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने और लिखा भी है क्रिस्टोफर नोलन ने। ये मैंने इसलिए बताया कि आप सभी को पता होगा क्रिस्टोफर नोलन कितनी अमेजिंग मूवीज बनाते हैं, वैसा ही कुछ इस मूवी में भी उन्होंने किया है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है वर्ल्ड वॉर टू की, जब इलाइट फोर्सेस के 400,000 सोल्जर्स फंस जाते हैं डंकर्क में। चारों तरफ से जर्मन मिलिट्री ने उनको घेर लिया है और साथ ही साथ ऊपर से बम्बार्डिंग भी उनके ऊपर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये 400,000 सोल्जर्स किस तरह बचते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग 7.9 out of 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों हमारी 5th मूवी है द रेवेनेंट। ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। दोस्तों ये मूवी बहुत अमेजिंग है। इस मूवी के अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इस मूवी के अंदर जितनी भी लोकेशंस हैं वो सब रियल हैं। इस मूवी के अंदर जितनी बर्फ आपको देखने को मिलेगी वो सब रियल में गिर रही थी, और इतनी बर्फ गिर रही थी कि जो भी एक्टर्स थे वो 5 मिनट तक ही शूटिंग कर पाते थे, उसके बाद वो अकड़ जाते थे। दोबारा उनको अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता था और शूटिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइट्स का भी यूज़ नहीं किया गया है, सब कुछ सनलाइट के अंदर ही शूट किया गया है, नेचुरल सनलाइट के अंदर ही शूट किया गया है। और सबसे बड़ी बात एक और फैक्ट है, वो ये है कि आप सभी को पता होगा कि लियोनार्डो द कैप्रियो प्योर वेजिटेरियन है, पर इस मूवी की शूटिंग के लिए उन्होंने बफेलो का मीट खाया था, यानी भैंस का मांस खाया था, ताकि मूवी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है 1920s से, जब एक जानवरों के शिकारी का ग्रुप गया होता है शिकार के लिए, पर उनके ऊपर दूसरे शिकारी हमला कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कबीले की एक लड़की को ये लोग लेकर आए हैं। उसके बाद लियोनार्डो द कैप्रियो के ऊपर एक भालू हमला कर देता है, और वो सीन जब आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा मूवी किस लेवल की है। और लियोनार्डो द कैप्रियो अपने बेटे को भी खो देते हैं, और इनको मरने के लिए इनके कबीले वाले छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब मौत जिंदगी से ज़्यादा अच्छी लगती है, किस तरह एक बंदा सर्वाइव करता है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिला 8.0 out of 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों हमारी 4th मूवी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी आई थी 2015 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी जानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस इस मूवी को आप देखिए। इस मूवी के अंदर इतना एक्शन है कि आप एक्शन मूवीज में इसको टॉप पे रखेंगे। बहुत अमेजिंग मूवी है ये। इस मूवी के अंदर जिस तरह की कार रेसिंग है, जिस तरह से चेज है, जिस तरह के एक्शन सीन्स हैं, वो आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत ही रियलिस्टिक लगेंगे। इस मूवी को रेटिंग्स मिला 8.1 out of 10, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, सो डेफिनेटली इस मूवी को देखें। दोस्तों हमारी 3rd मूवी है वॉरियर। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक एक्शन ड्रामा स्पोर्ट्स मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दो भाइयों की, एक फिजिक्स का टीचर होता है, एक बॉक्सर होता है। इन दोनों को ही मार्शल आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि ये लोग वहाँ से प्राइज मनी जीत सकें। ये लोग काफ़ी ट्रेन करते हैं ताकि ये लोग उस कंपटीशन के अंदर जीत सकें। एक समय ऐसा आता है जब ये दोनों भाई आमने सामने होते हैं और इन दोनों को ही लड़ना होता है। अब दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्रदर्स आई थी बॉलीवुड की मूवी, वो मूवी इसी मूवी से कॉपी करके बनाई गई थी, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सेम है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताएं क्या ये सच में सही है कि ब्रदर्स मूवी इसी मूवी को कॉपी करके बनाई गई थी। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.2 out of 10 IMDb पर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मूवी। दोस्तों हमारी 2nd मूवी है द डार्क नाइट राइसेस। ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। दोस्तों इस मूवी के 3 पार्ट्स आए हैं। क्रिस्टोफर नोलन वाली डायरेक्ट की गई मूवीज के 3 पार्ट्स आए हैं, और तीनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। और ये ट्रिलॉजी इतनी कमाल की है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बैटमैन की मूवी कितनी अमेजिंग है। इस बैटमैन की मूवी के अंदर बैटमैन तो हीरो है, लेकिन टॉम हार्डी विलन के रोल में हैं, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, आप जरूर देखें। इसको रेटिंग्स मिला 8.4 out of 10 IMDb पर, और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 1st मूवी है इंसेप्शन। ये मूवी आई थी 2010 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। दोस्तों इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ चोरों की, जो लोग फिजिकल वर्ल्ड में चोरी नहीं करते, ये लोग चोरी करते हैं इंसानों के दिमाग के अंदर, उनके आइडियाज़ ये लोग चोरी करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं। सो इस मूवी को देखना काफ़ी अमेजिंग होगा, आप जरूर देखें। इस मूवी को हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.8 out of 10 IMDb पर। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो स्प्रेड दिस वीडियो एवरीवेयर सो दैट एवरीवन कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।